यहाँ चेक करिए कैलोरीमेट्री में, देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू स्टीम। फाइव ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो यहाँ सॉल्व करेंगे कैसे सोचा जाए, तो याद करिए ना, जब आप स्टेट चेंज होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हेन स्टेट इज चेंजिंग, फॉर्मूला यूज्ड, जो हीट सप्लाइड का फॉर्मूला आप देख रहे हैं वो क्या यूज करते हैं, क्यू इक्वल्स टू एम एल। क्वेश्चन में मास कितना है, 5 ग्राम। एल क्या जानते हैं, वेपर में बदलने के लिए कितना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 540 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको बताना क्या है क्यू, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्यू इक्वल्स टू एम एल, 5 × 540। तो आपको ये क्यू का वैल्यू मिल गया। जिन लोगों को ये कंफ्यूजिंग लगे वो मुझसे पूछें एक बार। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए, मैंने अभी भी ज्वाइन करा। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमने पढ़ के देखा क्या क्या बताया गया है, कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और क्या बताया गया है, स्टेट इज चेंजिंग। तो स्टेट चेंज हो रहा होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो हीट क्यू बराबर क्या लिखते हैं, एम एस डेल्टा थीटा या एम एल। तो क्वेश्चन में ढूंढ लो एम कितना है, एल आपको ऑलरेडी याद है वाटर का स्टीम कन्वर्जन के लिए, तो क्यू बराबर फॉर्मूले में डालकर कैलकुलेट कर लो। सर इसमें जो एल की आपने यूनिट लिखी है उसमें डिग्री सेंटीग्रेड भी आता है। आप कैसे, सॉरी नहीं आता है, यहाँ गलती से वो मैंने लिख दिया, ये कैलोरी पर ग्राम ही होता है, क्योंकि एल जो हमने डिफाइन किया है ऊपर वाले फॉर्मूले को ही बेस मान करके देख लें। जब हमारे पास क्या है, क्यू बराबर एम एल, तो एल बराबर क्या होगा, क्यू बाई एम। तो क्यू का यूनिट जूल, एम का यूनिट केजी, या तो जूल पर केजी हम कह सकते हैं, नहीं तो प्रैक्टिकल यूनिट हम यूज करते हैं कैलोरी पर ग्राम। तो यस सर, आप सही कह रहे हैं कि यूनिट जो लिख रहे होंगे हम कैलोरी पर ग्राम लिखेंगे, या क्वेश्चन में जूल पर केजी दिया गया होगा, तो एम आप केजी में लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जूल में उत्तर आंसर आएगा। पेज चेंज करूं? यस सर। आप बताइए, ये है 5 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कितना हीट दूं कि ये 5 ग्राम वाटर एट +10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाए, इसको कितना हीट दिया जाए, चेक करिए।
तो सॉल्व करने के लिए हम पहले ये सोचते हैं, 5 ग्राम जो आइस होगा तुरंत तो मेल्ट करेगा नहीं, वो पहले अपना टेम्परेचर 0 तक लाएगा, फिर मेल्ट करेगा, तब बनेगा फाइव ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और तब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा 5 ग्राम वाटर एट +10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितने टुकड़ों में हीट हमें देना पड़ेगा यहाँ, Q1, Q2, Q3। अच्छा बताइए, Q1 में टेम्परेचर बदला या नहीं? पहले स्टेप में दूसरे वाले स्टेप में क्या टेम्परेचर बदला? सर, और तीसरे वाले में टेम्परेचर बदला? यस सर। तो Q1 आप यूज करेंगे MS डेल्टा थीटा, Q2 यूज करेंगे ML, और Q3 यूज करेंगे MS डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा डैश M डैश S डैश जो भी है नया। अब आप चेक करिए कि पहला वाला पार्ट के लिए मास कितना दिया हुआ है हमें, 5 ग्राम। एस हम कितना जानते हैं, स्पेसिफिक हीट आइस का 1/2, और टेम्परेचर चेंज कितना हुआ 10, 25 कैलोरी। जब हम ML कहते हैं तो 1 ग्राम L का वैल्यू क्या होता है मेल्टिंग के लिए 80, तो ये हो गया 400 कैलोरी। और ये यहाँ फिर से है 5 ग्राम, और वाटर के लिए S होता है 1, टेम्परेचर चेंज है 10, ये कितना हो गया 50। तो जो आपने Q पूछा था, दैट इज Q1 + Q2 + Q3, 475 कैलोरी। तो इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि यदि हम आइस है उसका टेम्परेचर बदल रहे हैं तो किस तरह बदलेगा। तो आइस पहले 0 तक आएगा, तुरंत नहीं पिघलेगा, 0 पे आने के बाद तब भी हीट देते रहेंगे तो पिघलेगा। सर एक्सक्यूज मी, सर प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एल की वैल्यू 540 ली थी और इस क्वेश्चन में हमने एल की वैल्यू 80 ली है, क्यों? पानी के कितने स्टेट याद है आपको? सर 3। तो आइस से वाटर बनाएंगे तब जो एल होगा, और वाटर से स्टीम बनाएंगे तब जो एल होगा। क्या दोनों एल एक जैसा होना चाहिए, ऐसा जरूरी है? नो, इसीलिए दो वैल्यूज हैं। तो पिछला वाला कहानी क्या था, वेपोराइजेशन, वाटर टू स्टीम। तो वेपोराइजेशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उसके लिए लेटेंट हीट होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। ये डाटा आप चाहें तो याद रख सकते हैं, दो अलग अलग स्टेट बदलने के लिए एल के दो अलग अलग वैल्यूज होंगे। कॉपी पे चाहे तो ये कंसेप्ट कह करके नोट भी कर लीजिए। आइस से आपने वाटर देखा, और वाटर से फिर आपने स्टीम देखा, सर जब स्टीम से वाटर और वाटर साइज होगा जब क्या होगी इनकी वैल्यू? वैल्यू मुझे ये बताओ, आइस से वाटर बनाते वक्त हमने हीट क्या किया है?
आइस को दिया है, तो वाटर से आइस बनाते वक्त क्या करेंगे? हीट ले लेंगे। तो अमाउंट कितना होगा? यही होगा, वहां बाहर आ रहा होगा हीट। ठीक है? यस सर। यहां चेक करिए, 5 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको मिक्स कर रहे हैं 10 ग्राम वाटर एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड और आपको फाइंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑल्सो फाइंड अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर इन थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ दिस मिक्सचर। फाइव ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड +10 ग्राम वाटर एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड अब इनको हमने मिक्स कर दिया, हम लोग जानना चाहते हैं कि टेम्परेचर मिक्सर का क्या होगा। सॉल्व करते वक्त पहले ये सोचिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सी इंटू 5 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू ms delta theta +ml 5 × 1/2 × 10 +5 × 80 कितना हो गया? 425 कैलोरी। सर आपने ये क्यों कैलकुलेट किया? यदि पूरा आइस पिघलेगा, तो उसे हीट चाहिए, और कितनी हीट चाहिए? टेम्परेचर 0 डिग्री पे आके पिघलेगा तो उसके लिए 425 कैलोरी। अब ये सोचो मैक्सिमम हीट सप्लाइड, सप्लाइड बाय 10 ग्राम वाटर ड्यू टू चेंज इन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू ms delta theta।
m that is 10, s that is 1, temperature change 5, 50 calorie. क्वेश्चन में आदित्य कहा गया है 5 ग्राम आइस, एक छोटा सा आइस का टुकड़ा माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है, फ्रिज से निकालकर एक छोटे से कप में 10 ग्राम पानी है जो कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, पानी भी बहुत गर्म नहीं है, जाड़े का मौसम है मान लो, उसमें डाल देते हैं। तो आपको ये देखना है कि आइस पूरी तरह मेल्ट कर पाएगी या नहीं, और यदि कर पाएगी तो टेम्परेचर कॉमन क्या है, और इक्विलिब्रियम जब आ जाए वो टेम्परेचर बताना है, और उस टाइम पे आइस और वाटर का अमाउंट कितना कितना प्रेजेंट है ये बताना है। तो आइस को कंप्लीटली मेल्ट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, तो आइस पहले क्या किया, एमएस डेल्टा थीटा, अपना टेम्परेचर माइनस 10 से 0 तक लाया, और फिर वो पिघलेगा, दैट इज एमएल 0 पे। तो 0 डिग्री सी पर ही रहे आइस, उसके लिए टोटल कितना चाहिए, 425 कैलोरी एनर्जी, और ये हीट देगा कौन आइस को, तो आइस के रेस्पेक्ट में ये जो पानी है वहां पर वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वो गर्म है, वो हीट देगा, वो अधिक से अधिक कितना दे सकता है, 5 डिग्री से 0 पे आ जाएगा और वो देगा 50 कैलोरी। तो क्या 50 कैलोरी सफिशियंट है सारे आइस को मेल्ट करने के लिए? नो सर। तो क्या लगता है कि क्या सारा आइस मेल्ट कर पाएगा? नो सर। इसका मतलब इसीलिए अगले पार्ट में पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम में बताओ कितना आइस होगा कितना वाटर, आइस का थोड़ा सा पार्ट पिघलेगा, तो जो आइस का थोड़ा सा पार्ट पिघलेगा वो वाटर में कन्वर्ट होगा। और वाटर का अमाउंट उतना बढ़ जाएगा। तो इस दोनों डाटा को देख करके हम क्या एनालाइज करेंगे कि पूरा आइस तो नहीं पिघलने वाला। अच्छा, पूरा आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ पाएगा या नहीं, तो उसके लिए कितना एनर्जी चाहिए, एमएस डेल्टा थीटा, वो है 25। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब, थर्मल माने टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम माने एक जैसा। जब आप एक कप पानी में एक दो कप चाय डाल दें, या दो कप चाय में एक कप पानी डाल दें, तो टेम्परेचर किसका मिलेगा, पानी का या चाय का या इक्विलिब्रियम वाला कोई और? तो दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। जब आप टेम्परेचर स्टेबल होकर देखेंगे उस लिक्विड का क्या है, ठीक है, तो घबराए नहीं। इक्विलिब्रियम का बेसिक सेंस जो हीट में होगा एक जैसा टेम्परेचर। तो पहले ये तो सोचो कि यहाँ कैसे काम करेंगे, क्वेश्चन पहले क्लियर करो फिर सॉल्यूशन देखो। मैंने क्या किए, मैंने ये ढूंढा कि 5 ग्राम आइस को पिघलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, फिर मैंने ये ढूंढा कि ये जो पानी गर्म है 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो गर्म ही कहलाएगा 0 के कंपैरिजन में या माइनस 10 के कंपैरिजन में। तो ये पानी जो है 0 तक आकर के कितना हीट दे देगा, 50 कैलोरी, लेकिन ये 425 से तो बहुत कम है, इसका मतलब आइस तो पूरा मेल्ट नहीं कर पाएगा। हम यहाँ ये दोनों जो लाइन लिख रहे हैं उसके बाद क्वेश्चन उससे नहीं बना, छोड़ दिया, उससे अंदाजा मिल गया मुझे कहानी में आगे क्या करना। नोट करना, हाँ करो नोट। कर लिया तो अब हम क्या सोचें? अब हम ये सोचते हैं, लेट x ग्राम
ice converted into water. और आप जो देखेंगे एक लाइन और ऊपर वो ये लिख सकते हैं, सिंस हीट सप्लाइड बाय 10 ग्राम वाटर इज नॉट सफिशियंट टू कन्वर्ट टोटल आइस इंटू वाटर. टोटल आइस इंटू वाटर हैंस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज 0 degree centigrade. एक पार्ट का तो आंसर ये आ गया. यदि पूरा आइस मेल्ट नहीं करता है तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा? 0 degree centigrade. होगा क्या सर? समझ नहीं आया. अच्छा पिछले पेज पे वापस चलिए. आइस कितना है? 5 ग्राम. बताइए 5 ग्राम माइनस 10 डिग्री पे. और उसको पिघलने के लिए कितना हीट चाहिए? क्या वो कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर. कितना? 425 केल्विन. क्या ये समझ में आया? यस सर. पक्का? हाँ जी सर. तो बताइए सानिया, इसको 425 हीट देगा कौन? तो यहाँ हम क्या मान के चलते हैं? क्या एटमॉस्फेयर से हीट आता है या ये मान के चलते हैं कि जो दूसरा मिक्स किया उससे आएगा? तो दूसरे वाले से आएगा. दूसरा वाला कितना दे सकता है 5 degree से 0 degree तक आके? बट सर हम सिर्फ 0 degree तक क्यों ले रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि पानी में आइस डालेंगे तो पानी जो है दही की तरह दूध जम जाने वाली है? थोड़ा दही दूध में डाल दिया और दूध दही में बदल गया? नहीं सर. तो क्या उम्मीद करें हम? पानी में यदि मैं आइस का टुकड़ा डाल दूं तो क्या उम्मीद करें? पानी पहुंच जाएगी -10 degree centigrade पे या -30 degree centigrade पे? ठीक है सर. तो अच्छा आराम से देखिए, तो 0 degree पे आके वो कितना हीट दिया उसने? एमएस डेल्टा थीटा से देखिए ना, नीचे लिखा हुआ है ब्लू कलर में. हाँ, कितना सर, 50. कितना हीट दे रहा है? 50 calories. ये 50 calories सफिशियंट है 425 calorie के कंपनसेट करने के लिए? नो सर. तो क्या उम्मीद करें, क्या आइस पिघल पाएगी? नो सर. तो मैं क्या उम्मीद करूं, टेम्परेचर क्या होना चाहिए मिक्सर का? चिल्ड हो जाएगा वाटर आइस के प्रेजेंस से और आइस उसमें तैरती रहेगी, सारा आइस नहीं पिघलेगा. और चिल्ड हो गया मतलब कितना डिग्री? -30 degree या 0 degree? 0 degree से नीचे जाएगा तब तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. यस सर, 0 degree रहेगा. तो अब आप उसको इस तरह देखिए कि सिंस हीट सप्लाइड बाय 10 ग्राम वाटर इज नॉट सफिशियंट टू कन्वर्ट टोटल आइस इनटू वाटर, हेंस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज 0 degree centigrade. और वो भी नहीं समझ में आए तो उसको इस तरह से देखिए कि पहले ये समझिए कि 10 ग्राम आइस है ना, नहीं 5 ग्राम आइस है ना. तो 5 ग्राम जो आइस है एट -10 degree centigrade, तो पहले ये किस में पहुंच गया? 5 ग्राम आइस एट 0 degree centigrade. अब देखिए 5 ग्राम आइस जो है अब ये 0 degree centigrade पे पहुंच गया और
यहां से इसका एक पार्ट कन्वर्ट हो गया, एक पार्ट कन्वर्ट हो गया वाटर में, कितना हमने माना है कन्वर्ट हो गया, तो एक्स हमने ये मान लिया कि इसका एक पार्ट कन्वर्ट हो गया एक्स ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बचेगा कितना 5 माइनस एक्स ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस तरफ सोच करके देखिए कि 10 ग्राम वाटर था एट +5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कहां पर पहुंच गया है, ये पहुंच गया है 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट एब्जॉर्ब करने वाला काम कहां कहां हुआ, Q1 Q2 और यहां पर कुछ भी नहीं, जीरो, क्योंकि यहां कोई कन्वर्जन है ही नहीं। और इधर आप चेक करिए, एक और कौन दिख रहा है, यहां दिख रहा है Q3। तो हम क्या लिखने वाले होंगे, हीट गेन्ड इक्वल्स टू हीट लॉस्ट। और इक्विलिब्रियम कैसे हो गया, देखिए x ग्राम वाटर है वो जीरो पे, 5 माइनस x ग्राम आइस है वो जीरो पे, और ये जो 10 ग्राम वाटर था वो भी पहुंच गया जीरो पे, ये जीरो वाला एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। हीट गेन दो टुकड़ों में हुआ है, कौन कौन से टुकड़ों में, एक Q1 और दूसरा Q2 और तीसरा वाला कुछ भी नहीं, जीरो। और आने वाला देने वाला लूज किया किसने, हीट, तो 5 डिग्री वाला जीरो पे आया तो उसने लूज किया। ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कह दो, बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहेंगे, जो हीट गेन हुआ है और जो हीट लॉस हो रहा है। उन दोनों को इक्वेट कर दो, कॉपी पे चित्र बनाओ, पहले फील करो कि हमने क्या होते देखा, कि वो जो 10 ग्राम पानी है वो तो जीरो तक आकर के केवल 50 कैलोरी देगा, Q1 कितना है, तो Q1 है 5 ग्राम आइस 1/2 और वो -10 से जीरो तक चला आया। Q2 कितना है, x इंटू 80, और ये दोनों मिलके किसके बराबर हो रहे हैं, 10 × 1 × 5। यहां से देखिए 25 + x × 80 = 50। अब यहां सॉल्व करेंगे तो x आ गया 25/80, 5/16 ग्राम, केवल 5/16 ग्राम आइस वाटर में कन्वर्ट होगा और सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। पहले 5 ग्राम आइस जो है ये पहुंचा है 5 ग्राम आइस -10 से जीरो पे, और फिर उसके बाद उसका एक पार्ट x पार्ट कन्वर्ट हो गया वाटर में और रिमेनिंग पार्ट आइस के ही फॉर्म में तैरता रहेगा पानी में, और वो जो पानी था 5 डिग्री सेंटीग्रेड का वो कहां पहुंच गया, जीरो पे। आप में से जिन लोगों को ये समझ में आया हो थोड़ा थोड़ा हैंड राइज करें प्लीज, बहुत बढ़िया। अभिनव, सारांश, पार्थ, आदित्य, ध्रुव, यश, कृतिन, सान्या, कुणाल, लव, सुमित, प्रियांशु, शोभित, सक्षम, यश अग्रवाल, बहुत बढ़िया।
अच्छा अब यदि आपसे कोई पूछे अमाउंट ऑफ वाटर फाइनल रिजल्ट, अमाउंट ऑफ वाटर कितना सर, 10 प्लस 5 बाय 16 हाँ, एट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ वाटर 10 प्लस 5 बाय 16 ग्राम अमाउंट ऑफ आइस 5 माइनस 5 बाय 16 ये हो जाएगा 75 बाय 16 ग्राम. एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इक्विलिब्रियम पे कितना मिलेगा वाटर और आइस, ये हमें पता चल गया. कुछ बच्चों को ये नहीं पसंद आया होगा क्वेश्चन, 3-4 बच्चों को, तो घबराना मत, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे. यहाँ तक पहले नोट कर लिया. सर मेरे को एक चीज पूछनी थी कि ये जो वाटर होता है सर, ये मतलब आइस में कन्वर्ट नहीं होगा? जरूर हो सकता है. आप एक काम करो, एक ऐसा फ्रीजर ढूंढो, ये कोवैक्सीन का जो, ये जो फाइजर का आता है वैक्सीन कोविड के लिए, वो -70 डिग्री पे उसको स्टोर करना होता है. और इंडिया में इसलिए इसको मान्यता देने में दिक्कत एक आ रही है कि वो -70 का कोल्ड चेन मेंटेन करना मुश्किल है. फिर भी आपने ढूंढ लिया -100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बर्फ, और उस पर दो बूंद पानी गिरा दें, तो दो बूंद पानी गिरा दें तो वो क्या हो सकता है कि वो भी आइस में कन्वर्ट हो जाए होगा. लेकिन यहाँ सोचिए ना, आइस का यहाँ जिसको मैं घेर रहा हूं, देखिए -10 से 0 तक आने के लिए कितना एनर्जी चाहिए था, 25 कैलोरी. और ये जो वाटर था वो 5 डिग्री से 0 डिग्री पर आकर के कितना एनर्जी रिलीज कर रहा था, 50 कैलोरी. तो क्या लगता है कि क्या ये वाटर अब आइस में बदलेगा, या ये आइस जो है वो 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा? क्या उम्मीद कर रहे हो? सर आइस 0 डिग्री पहुंच जाएगी. और जब 0 पे पहुंच गई तब थोड़ा सा ही एनर्जी बचा हुआ है, और वो भी किसके पास, पहले से जो पानी है उसके पास, तो वो अपना हीट देके आइस के एक पार्ट को वाटर में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है सर. ये एनालाइजिंग एबिलिटी आपको खुद डेवलप करनी है, मैं गाइड करूंगा, आप थोड़ा खुद से सोच के देखें. यदि पता करो -5 ग्राम, ये जो 5 ग्राम आइस होता ये के बदले 500 ग्राम आइस होता और -100 डिग्री का टेम्परेचर होता, तो उसको 0 तक आने पर इतना हीट चाहिए होगा कि शायद वो जो थोड़ा सा अमाउंट में वाटर देता वो खुद कन्वर्ट हो जाता है इसमें. ऐसा भी हो सकता था, लेकिन उस तरह के चांस कम बनते हैं. यदि 0 के आसपास की कहानी है तो टेम्परेचर का, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का 0 होने के चांस सबसे ज्यादा है, और 100 के आसपास की कहानी है तो टेम्परेचर का 100 बनने के चांस ज्यादा है. फिर से एक एग्जांपल देखिए, आप एक ग्लास पानी देख रहे हैं. नहीं समझ में आ रहा है तो कोक देखो, कोका कोला, नहीं तो थम्सअप. वो धूप में रखा हुआ था 45 डिग्री टेम्परेचर पे, 200 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, और इसमें तुम आइस का एक छोटा सा टुकड़ा डाल रहे हो. ध्यान से देखना, 5 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी फ्रिज से ये 5 ग्राम वाला टुकड़ा तुमने डाल दिया इस पानी में, 40 डिग्री रूम टेम्परेचर वाले पानी में, 5 ग्राम का टुकड़ा. 5 ग्राम का अंदाजा है भी तुम्हें? बहुत छोटा सा टुकड़ा, 50 ग्राम होता है वो दुकान वाले के पास, देखोगे एक छोटा सा एक ब्लॉक, वो 5 ग्राम मतलब बहुत बहुत छोटा. दुकान वाले को कहोगे कि 5 ग्राम दे दो आलू तो भगा देगा. 50 ग्राम भी बहुत छोटा होता है, और 5 ग्राम तो और छोटा, एक छोटा सा इसका टुकड़ा, उसको तुमने डाल दिया 200 ग्राम पानी में. 200 ग्राम पानी मतलब एक 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 छोटा सा जो कैन है कोक का उतना पानी, और वो भी 40 डिग्री पे, धूप में रखा हुआ रूम में था गर्मी के मौसम में. तो तुम्हें क्या लगता है
कि क्या ये आइस पिघलेगी पूरी तरह ना या नहीं पिघलेगी, पिघल जाएगी। तो ये इसके लिए तुम एचसी वर्मा का किताब थोड़े ना ढूंढोगे, ये तो खुद कॉमन सेंस है। छोटा सा इसका टुकड़ा दिया है और पानी बहुत ज्यादा है या कोक ज्यादा है, तुम अपने दोस्त के घर पहुंचे, कोक उसने डाल दिया बाहर धूप में रखा हुआ ग्लास में और आइस छोटा सा देगा, तो दोस्ती तो वही खत्म कर दोगे तुम कि ये भाई ये क्या कर रहे हो, आइस दो थोड़ा और ज्यादा आइस दो तो चिल्ड होगा तो पीऊंगा मजा आएगा। तो अब तुम्हें मिक्सचर का टेम्परेचर बताना है, तो यहाँ पर मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करना होगा। हम क्या सोचेंगे, हम सीधे सीधे सोचेंगे हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन। अब लॉस करने वाला कौन है, ये 200 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये पहुंच गया 200 ग्राम वाटर एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। अब तुम सोचो हीट गेन कौन करेगा, 5 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आएगा 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर ये आएगा 5 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर ये आएगा 5 ग्राम वाटर एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। वाओ, इतना चेंज होगा सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब हीट लॉस्ट और हीट गेन की कहानी में ट्विस्ट है, यहाँ Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4। तो हीट लॉस्ट और हीट गेन के लिए क्या लिखोगे, हीट लॉस्ट वाला है Q1 और गेन वाला है Q2 Q3 प्लस Q4। तो यहां मुझे इसमें संदेह नहीं है कि ये पूरा का पूरा आइस पिघलेगा, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट है और पानी बहुत ज्यादा है अच्छे टेम्परेचर पे। तो मैं चेक वेक नहीं करूंगा, सीधे मिक्सर का टेम्परेचर थीटा सोच लूंगा कि पूरा आइस पिघला होगा। अच्छा Q1 सोचो, तो ये 200 ग्राम के लिए था जो कि स्पेसिफिक हीट वाटर का 1 और 40 से थीटा तक आया, 40 माइनस थीटा। Q2 देखो 5 ग्राम आइस -10 से बदल रहा है, तो एमएस डेल्टा थीटा 1/2 × 10, फिर वो क्या हो रहा है, पिघलेगा ML 5×80, और फिर क्या होगा, वो तो पिघलने के बाद 0 डिग्री पे है, उसको थीटा तक आएगा, वो कॉमन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब 5 जो है वो आइस नहीं है, अब वो वाटर है पिघलने के बाद, तो स्पेसिफिक हीट हो जाएगा 1 और डेल्टा थीटा हो गया थीटा -0, 0 से बढ़ के थीटा तक आया। चेक कर लो एक बार, जिन लोगों को ये रिलेशन समझ में आ जाए वो हैंड राइज कर दो प्लीज। प्रियांशु, शुभ्रांशु, सुमित, वेदांत, यस, कंफ्यूजन है तो बताओ। यस अच्छा, यहाँ पर मुझे ये खुद अकल लगा करके तुम बताओ आइस का क्या क्या होगा, आइस सीधे 40 डिग्री पे पहुंच जाएगा या 40 से कहीं नीचे रुकेगा। अच्छा ये बताओ मिक्सचर का टेम्परेचर क्या मिलेगा तुम्हें, क्या 0 डिग्री हो जाएगा, ऐसा उम्मीद कर रहे हो, चिल्ड हो जाएगा तुम्हारा कोक, एक ग्लास कोक 40 डिग्री वाला और छोटा सा आइस का टुकड़ा है, तो क्या चिल्ड हो जाएगा, 0 डिग्री पहुंच जाएगा? नो सर। तो कॉमन टेम्परेचर थीटा मान लो, तो आइस थीटा तक कैसे जाएगा, रास्ता बताओ। आइस पहले 0 डिग्री आइस में चेंज होगा, फिर वाटर में चेंज होगा 0 डिग्री, और फिर थीटा में चेंज होगा। तो देखो ना Q2 Q3 Q4 वही है या नहीं? यस सर। उनके फॉर्मूले क्या होंगे, -10 से 0 वाला ms डेल्टा थीटा, 0 से 0 वाला ml, 0 से थीटा वाला ms डेल्टा थीटा। तो देखो तो Q2 Q3 Q4 पसंद आया? हां सर। ये सारा हीट है जो गेन किया है आइस ने। ओके। और देगा कौन हीट, वाटर देगा सर।
तो वाटर कहाँ से कहाँ तक गया है? 40 पे ही है या कुछ नीचे आया? कम हो गया सर, 40 माइनस थीटा। बस 200 इनटू 1 इनटू 40 माइनस थीटा, ये है Q1। ओके सर। देखिए एक ही बार में समझें ये जरूरी नहीं है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। सो भेद वेदांत सर क्लियर है? क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस हो गया सर। किसी को भी डाउट हो तो बताओ। कुणाल? यस सर। एक बार और समझाऊं क्या? नहीं सर क्लियर है। बहुत बढ़िया। सुमित आपके? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। किसी को भी डाउट हो तो बोलो, बहुत सिंपल आइडिया है, प्रैक्टिकली सोचो। जब ये कंफ्यूजन होता है ना कि आइस पूरा मेल्ट करेगा कि नहीं, वो टफ क्वेश्चन। यदि आइस का अमाउंट डोमिनेट करते दिख रहा है, क्योंकि उसके पिघलने के लिए 1 ग्राम को 80 कैलोरी चाहिए, तो उतना हीट देने के लिए यदि तैयार है, ज्यादा वाटर है, ज्यादा उसका टेम्परेचर है, तब तो पिघलेगा आइस, नहीं तो जीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। यहाँ थीटा निकल के चला आएगा सॉल्व करके, जो भी आए। आप लोग सॉल्व कर लेंगे या मैं सॉल्व करूं? कर लेंगे सर। कर लिया। ठीक है, कितना आया सर? 36.95। उम्मीद मैं कर रहा था थोड़ा सा ही नीचे आएगा टेम्परेचर, बहुत कम बर्फ है। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि आपसे कहा जाता है 50 ग्राम आइस एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको मिक्स कर रहे हैं 200 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 ग्राम के बदले में मैंने क्या दे दिया है? 50 ग्राम आइस। आइस क्यूब बड़ा है इस बार, तो आपको क्या लग रहा है कि आइस क्यूब को पूरा का पूरा आइस क्यूब पिघल जाएगा आपके एक ग्लास पानी में? नो सर। नो सर। तो ऐसे यस और नो में यहां मुझे यदि थोड़ा कंफ्यूजन हो तो मैं क्या करता हूं, पहले ये देख लेता हूं 50 ग्राम आइस जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको बदलना है 50 ग्राम आइस एट 0 डिग्री, 50 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री। इसके लिए देख लेते हैं ये Q1 और Q2 कितना है। ms डेल्टा थीटा 50 × 1/2 × 10 250 कैलोरी, और Q2 में क्या आ जाएगा ml 50 × 80 4000 कैलोरी। तो ये दोनों मिल करके हो गया 4250 कैलोरी। एक बार ये चेक कर लेते हैं, 200 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यदि ये 200 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए तो ये कितना हीट दे सकता है? ms डेल्टा थीटा 200 × 1 × 40 8000 कैलोरी। ओहो, ये कितना दे सकता है? 0 तक आकर के 8000, और जबकि पिघलने तक के लिए कितना हीट चाहिए? 4250। हाँ, 4000 के आसपास। इसका मतलब निश्चित रूप से पूरा का पूरा आइस मेल्ट करेगा। यस ये तो क्लियर हो गया। ये काम करके हमने कॉन्फिडेंस अपना डेवलप कर लिया कि आइस तो मेल्ट करेगा ही, और मेल्ट करने के बाद वो यही नहीं रुकेगा, टेम्परेचर थोड़ा ऊपर आएगा और 40 डिग्री 0 तक नहीं जाएगा, थोड़ा सा ही नीचे जाएगा।
तो ये देखिए मैं फिर से क्या लिखूंगा, देखिए ऐसे 50 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, वो बदल गया 50 ग्राम वाटर आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर बदल गया 50 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर बदल गया 50 ग्राम वाटर एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान से देखिए 200 ग्राम वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये चला आया 200 ग्राम वाटर एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए इक्विलिब्रियम आ गया या नहीं, ये भी थीटा पे और ये भी थीटा पे। अब हीट कहाँ कितना चाहिए, तो ये Q1 था, ये Q2 था, ये Q3, और यहाँ पर है Q4। तो Q1 कितना था, Q1 था 50 × 1/2 × 10, ये तो हमने ही देखा था 250 कैलोरी। Q2 हमने देख लिया था ML, फिफ्टी इंटू 80 4000 कैलोरी, और ये Q3 हमने देखा एम एस डेल्टा थीटा, फिर से क्योंकि टेम्परेचर बदल रहा है, M हो गया 50, S हो गया 1 क्योंकि वाटर में कन्वर्टेड है, और ये थीटा तक आया 50 थीटा। और Q4 कितना हो गया ये आप जानते हैं, 200 × 1 × 40 − θ, अब आप इक्वेशन किसके लिए लिखेंगे, हीट लॉस हीट गेन वाला जो कहानी पका रहे थे, हीट लॉस हीट गेन जो अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है, वो क्या कहता है सोच के बताइए। इसमें हीट देने वाला कौन, ये Q4, और हीट लेने वाला कौन, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो कैलोरीमेट्री से हमें क्या मिल गया, हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस्ट, मीन्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये किसके बराबर हो जाएगा, Q4 के, 250 + 4000 + 50 θ, ये किसके बराबर मैं कर दूं, 200 × 1 × 40 − θ। इनको यदि हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें थीटा पता चल जाएगा। सर मेहनत तो बहुत है, तो धीरे धीरे अंदाज लगने लगता है यार, सीधे सीधे आप लास्ट लाइन ही लिख दोगे थोड़े प्रैक्टिस के बाद। अभी ना इतना अलग अलग Q1 Q2 Q3 लिखवा रहा हूँ, बाद में आपके तुरंत दिमाग में आए, जैसे आप में से अधिकतर बच्चों को पता था कि ये 50 ग्राम आइस पिघल जाएगी सारी, तो सही सोच रहे थे आप, प्रैक्टिकली जो देख रहे थे आप। सर थीटा इज इक्वल टू 33.6 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया, सॉल्व करते वक्त एक जीरो तो पहले ही कॉमन लेके काट देना, फिर थोड़ा सा आगे भी बढ़ना, 25 और 5 30 हो जाएगा, नहीं 5। ठीक है, सॉल्व तो आप लोग कर ही लोगे, तो मैं नहीं कर रहा, इसलिए इक्वेशन लिखने का जो तरीका है या ये जो चित्र बना लेना है कि कौन थीटा पे कैसे आया, उधर थीटा पे कैसे आया, फिर इक्वेट कर दो। मैं पेज चेंज करूं? यस।
सर। हाँ बताइए सर, अगर ये पानी 4250 कैलोरी एनर्जी देता तो क्या करते? आपको क्या लगता है कितना उसको पिघल, जितना पिघलने के लिए चाहिए उतना ही दे देता तो ठीक है, जीरो पे पहुंच जाते सारे पानी में कर सकते, ठीक ना, पानी ही की पानी मिलता। तो ये तो खुद सोचेंगे हम ना कि टोटल कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। ऐसे ही देखो, ये 10 ग्राम वाटर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान देना, 10 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड थीटा मिक्सचर अमाउंट ऑफ वाटर इन मिक्सचर। अमाउंट ऑफ स्टीम इन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। सर आप वो क्या बता रहे थे, वाटर आइस में कब कन्वर्ट हो सकता है? आप कब वाटर आइस को क्या नेचुरली कन्वर्ट होते देखते हैं? जनरली कब देखते हैं? मौसम बदलता है तब। घूमने गए श्रीनगर और वहां पर तालाब के ऊपर, डल लेक के ऊपर 2 सेंटीमीटर थिकनेस आइस का बन गया, तो अलग ही तरह के क्वेश्चंस होंगे वहां। फॉर्मेशन ऑफ आइस करके अलग एक बार मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ जो मिक्सर वाले क्वेश्चन होंगे, क्या मिक्स करके कभी आइस आपने बनाया कि मिक्स कर दिया आइस बन गया, पानी में आइस डाल दिया और आइस में बदल गया, तो क्यों उसमें कंफ्यूज हो रहे? ठीक है सर, तो मत करो अपने आप को कंफ्यूज। ऐसे जो मिक्स करेंगे उसमें आइस बन जाएगा ऐसा नहीं होगा। बालक आदित्य मैं फिर समझा रहा हूँ, इक्विलिब्रियम का मतलब आप एक कप पानी और एक कप चाय मिला दोगे तो टेम्परेचर कितना मिलेगा? कोई कॉमन टेम्परेचर आएगा ना उसका? वो जो कॉमन टेम्परेचर आएगा उसमें 3 दिन नहीं लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगेगा, 1 मिनट लगेगा, आधे मिनट लगेगा। थर्मामीटर डाल के देखोगे कि हॉट वाटर, एक नॉर्मल वाटर था रूम टेम्परेचर पे पीने के लिए आपने लिया था, और एक कप लिया था चाय गर्मा गर्म और डाल दिया पानी में, तो उसका जो कॉमन टेम्परेचर जब आ जाए दैट इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, दैट सिचुएशन इज ए थर्मल इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो घबरा क्यों रहे हो? अच्छा अकल लगा लो बालक, चाय में पानी मिला दिया तो टेम्परेचर जब पूछूंगा तो कौन सा टेम्परेचर? तो चाय में पानी मिलाने के बाद कोई तो स्टेबल एक टेम्परेचर बनेगा ना दोनों मिक्सचर होने पर, दैट इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। हाँ या ना में जवाब दो, समझ में आया या नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। आप कोशिश करो ना, एक कप चाय और एक कप पानी मिला करके फील करो इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग होगा। यहाँ चाय का टेम्परेचर 100 डिग्री, पानी का टेम्परेचर मान लो रूम टेम्परेचर पे है 25 डिग्री, और मिक्स कर दिया तो बीच का कोई टेम्परेचर तो आएगा ना उनका। वो टेम्परेचर आने में 2-4 दिन नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, आधे मिनट लगेगा, वो मॉलिक्यूल इधर उधर हो लेंगे, टेम्परेचर एक कोई ना कोई ये आ जाएगा। और वो जो बीच का थीटा कोई टेम्परेचर आएगा दैट इज इक्विलिब्रियम सिचुएशन एंड दैट टेम्परेचर इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी से अंदाजा लग जाता है कि ये अमाउंट ऑफ मिक्सचर में अमाउंट ऑफ स्टीम पूछ रहा है, तो इससे मैं तुरंत निष्कर्ष निकाल लूंगा कि थीटा मिक्सचर 100 ही रहने वाला है। क्योंकि सोचो 1 ग्राम पानी को केवल 1 कैलोरी से 1 डिग्री टेम्परेचर आप बढ़ा सकते हैं,
और एक ग्राम स्टीम यदि पानी में कन्वर्ट होगा तो अकल लगाओ 540 कैलोरी एनर्जी दे देगा। फील करो उसकी ताकत को। तो स्टीम का थोड़ा सा भी एक ग्राम भी यदि वाटर में कन्वर्ट हुआ तो 540 कैलोरी एनर्जी रिलीज होने वाला है, जो बहुत ज्यादा है। स्टीम वाटर में होगी। फिर से बोलो। स्टीम विल कन्वर्ट इनटू वाटर। अच्छा मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर क्या लग रहा है, हीट कौन देने वाला है? वाटर देगा हीट या स्टीम देगा? स्टीम। तो स्टीम कैसे हीट देगा? स्टीम स्टीम के फॉर्मेट में रहेगा तो हीट निकल आएगा वहां से थोड़ा सा भी। कैसे हीट दे सकता है बताओ? स्टीम यदि अपना एनर्जी छोड़ दे, रिलीज कर दे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये कंडेंस हो जाए। मॉलिक्यूल जो कबड्डी खेल रहे हैं वो कबड्डी खेलना छोड़ दे, एनर्जी दे दे पानी को। जो हायर टेम्परेचर पे है वही तो एनर्जी देगा। तो स्टीम यदि एनर्जी लेगा तो स्टीम का वहां गैस है, गैस के रूल सप्लाई होंगे। लेकिन यदि स्टीम एनर्जी वापस दे दे, अपना एनर्जी कम कर ले, तो स्टीम किस में बदल जाएगा? कंडेंस होकर के पानी में। अब यहां सोचो यदि 10 के 10 ग्राम एनर्जी स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाए, 10 ग्राम स्टीम सर 5400 कैलोरीज, तो 10 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पर क्यू कितना होगा? एम एल 10 × 540, 5400 कैलोरी ये एनर्जी रिलीज होगा। और आपको वाटर को वाटर स्टीम में नहीं बदलेगा, वो 90 से 100 तक जाएगा। उसके लिए हीट रिक्वायर्ड कितना है? 10 ग्राम एट 90 डिग्री, और ये कन्वर्ट होना चाहता है 10 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर एट 100 तो इसका मतलब यहाँ पर तो एम एस डेल्टा थीटा आप देखेंगे क्यू डैश, और एम एस डेल्टा थीटा हो जाएगा 10 × 1 × 10, दैट इज 100 कैलोरी। तो सोचो तो पूरा पानी को बहुत थोड़ा सा अमाउंट चाहिए 90 से 100 तक पहुंचने में, तो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, दोनों 100 पे होंगे। लेकिन वो भी जो थोड़ा सा एनर्जी चाहिए वो कौन देगा? तो हम क्या कहेंगे सॉल्व करते वक्त, ये जब हमारे दिमाग में आ गया तो सॉल्व करते वक्त हम ये मान लेंगे कि ये जो 100 जूल चाहिए एनर्जी पानी को 100 डिग्री तक आने में, वो दे देगा एक्स ग्राम स्टीम कन्वर्ट हो गए x × 540। तो x जो ये थीटा मिक्सचर तो हमें डाटा देख के पता चल गया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और उसके बाद हमने मान लिया x ग्राम स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो x इनटू 540 वही दे देगा 10 ग्राम को 90 से 100 तक लाने के लिए 100 कैलोरी एनर्जी। तो 100 × 540, 5 by 27 ग्राम, ये अमाउंट जो तब आप देखेंगे स्टीम का, स्टीम का अमाउंट हो जाएगा 10 − 5 by 27 ग्राम, और वाटर का अमाउंट हो जाएगा 10 + 5 by 27 ग्राम। सर आपने ये लास्ट में क्या किया जो ग्रीन से करा हुआ, एक बार दोबारा समझा दो। अच्छा मुझे ये बताओ इक्विलिब्रियम आने के लिए किसको कहां पहुंचाना चाहते हैं आप? या तो 100 को 90 पे ले आओ, या 90 को 100 पे ले जाओ, या बीच का कोई टेम्परेचर पकड़ लो जहां दोनों पहुंच जाए। यस सर। फिर से बताइए क्या क्या ऑप्शन है सर? 90 को 100 पे ले जाना है, या कोई बीच का टेम्परेचर लेना जहां पे दोनों इक्विलिब्रियम में पहुंच सके। आदित्य राय आपकी बारी है, आप भी बोले थोड़ा सा। इक्विलिब्रियम पे पहुंचाना है, ये चाय पानी मिला दिया, बताओ इक्विलिब्रियम पे पहुंचाने का क्या मीनिंग आ रहा है आपके दिमाग में? कुछ तो आया होगा ना। तो 90 को 100 तक ले जाएंगे तो कितना एनर्जी चाहिए उस पानी को?
ब्लू कलर से लिखा है, पढ़ के देखिए। 100 कैलोरी और 1 ग्राम यदि गलती से 1 ग्राम वाटर स्टीम में स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया तो कितना एनर्जी फेंक देगा बाहर? अरे वाटर स्टीम वाला लेटेंट हीट कितना याद किया है? 540। आदित्य तुम भी याद कर लो अब से, बालक पिघलने के लिए चाहिए 80 कैलोरी या जमने के लिए फेंकेगा पानी एनर्जी बाहर 80 कैलोरी, और जब स्टीम बनेगा या स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा या तो एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा 540 कैलोरी। आदित्य कितना एनर्जी वापस बाहर निकलेगा 1 ग्राम यदि कन्वर्ट होता है स्टीम या वाटर, वाटर या स्टीम? 540 कैलोरी चाहिए। कितना? 10 ग्राम वाटर को इक्विलिब्रियम 100 तक ले जाने के लिए वो तो केवल 100 कैलोरी चाहिए, तो क्या क्या लगता है क्या 1 ग्राम कन्वर्ट होगा स्टीम वाटर में तो इक्विलिब्रियम आ जाएगी या x ग्राम कन्वर्ट होगा? 1 ग्राम तो ज्यादा हो गया ना, 1 ग्राम कन्वर्ट होके इतना ज्यादा हीट आ गया है कि जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल इतना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पर पहुंचा दे। तो मैंने क्या मान लिया कि मिक्सर का टेम्परेचर तो होगा 100, ये उम्मीद बन गई। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ही स्टीम वाटर में कन्वर्ट होके इतना एनर्जी दे देगा कि बाकी जो पड़ा हुआ है 110 ग्राम वाटर 90 डिग्री पे उसको पहुंचा देगा। किस पे पहुंचा देगा? 100 डिग्री पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, वहां कुछ स्टीम होगा कुछ वाटर होगा। तो हमने मान लिया कि x ग्राम स्टीम है जो कन्वर्ट हो गया वाटर में, तो x ग्राम स्टीम कन्वर्ट होगा वाटर में तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा? x इंटू 40। और कितना चाहिए था हमें एक 90 को 100 तक ले जाने के लिए? 100 कैलोरी। इक्वेट कर दो तो x पता चल गया कि केवल वो जो मिक्सचर होगा इक्विलिब्रियम में 10 में से 5/27 ग्राम हटा दिया, 10-5/27 जो है ये बचा हुआ है स्टीम, और 10+5/27 10 ग्राम वाटर था और x ग्राम जो है वो कन्वर्ट हुआ है स्टीम वाटर में, उसके कारण जो हीट रिलीज हुआ था वो तुम्हें पता है 100 कैलोरी हीट कितने ग्राम से मिलेगा? 1 ग्राम से 10 ग्राम। वो 10 ग्राम वाला कहां पे पहुंचा? 100 तक पहुंचा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उसको 100 कैलोरी चाहिए। ये हीट देगा कौन? स्टीम देगी। तो स्टीम कैसे देगी हीट? सोचो ना थोड़ा सा, क्या सारा का सारा स्टीम कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में? तो 5400 कैलोरी आ जाएगा, उतना हीट लेके अचार डालोगे? तो सोचो कितना चाहिए। तुम्हें जब नहीं पता कि कितना कन्वर्ट होगा तो कम से कम इतना तो बोलो कि सर पूरा का पूरा स्टीम नहीं कन्वर्ट होगा। Okay? Yes, sir, पूरा स्टीम कन्वर्ट नहीं। आदित्य क्या पूरा स्टीम कन्वर्ट होगा 100 तक लाने के लिए? तो कितना कन्वर्ट होगा? तो तुम्हें भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता, जो नहीं पता उसे एक्स कहते हैं। लेट एक्स ग्राम स्टीम इज कन्वर्टेड इन टू वाटर, एक्स ग्राम स्टीम कन्वर्टेड होगा वाटर में तो कितना एनर्जी रिलीज कर देगा वो? 100 हमें चाहिए, 100 रिलीज कर देता है, काम हो गया अपना। तो चेक करो ना जितना एनर्जी चाहिए वो कौन दे रहा है, यही x ग्राम स्टीम। x कितना निकल करके चला आया? 5/27 ग्राम। x इसलिए क्योंकि पूरा तो नहीं जाएगा, पूरा नहीं जाएगा तो मुझे कोनो सपने में आएगा कि कितना जाएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि x ग्राम स्टीम है जो वाटर में कन्वर्ट होके इतना हीट दे देगा, जो 10 ग्राम वाटर जो 90 डिग्री पे है उसको पकड़ के ले आएगा 100 पे। बड़ा मुश्किल काम है, नहीं घबराओ मत, इतना तो अंदाजा लग ही रहा है, फॉर्मूले 2 हैं और मैनिपुलेट हमें करना है, और मैनिपुलेट करते वक्त थोड़ी अकलमंदी लगानी है। नहीं कुछ समझ में आएगा तो यही सोचें पहले बैठ के कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या। यदि मैं स्टीम कम दे दूं, सोचो एक एग्जांपल, स्टीम है 2 ग्राम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 ग्राम वाटर एट
10 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 भी कम लग रहा है, एक काम करो ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ तो थीटा मिक्सचर क्या होने की उम्मीद करूं? क्या भी, क्या अब भी शक है कि स्टीम थोड़ा सा ही कन्वर्ट होगा क्योंकि मैंने खूब वाटर डाल दिया है? तो अब कैसे देखेंगे? अब सीधे सीधे मुझे लग रहा है कि ये 100 डिग्री से तो नीचे होगा, तो हम क्या लिख देंगे? हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस्ट। अब गेन करने वाला कौन है? वाटर। 600 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये सीधे पहुंच गया 600 ग्राम वाटर एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, 2 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पहले कन्वर्ट होगा 2 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर ये कन्वर्ट होगा 2 ग्राम वाटर एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर चेक करिए, Q1 होगा, यहाँ Q2 होगा, यहाँ Q3 होगा, इनके वैल्यू लिख लीजिए। 600 इंटू 600 इंटू 1 इंटू थीटा माइनस 10, इधर लिखिए Q2, 2 × 540 ml, और अगले में टेम्परेचर बदल रहा है, 2 × 1 × 100 माइनस थीटा, और अब इक्वेशन क्या बन जाएगा? Q1 इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3, इक्विलिब्रियम आ गया, सारे थीटा पे पहुंच गए हैं। Q1 कितना है? 600 × 1 × थीटा माइनस 10। Q2 कितना हो गया? 2 × 540, और Q3 कितना हो गया? 2 × 1 × 100 माइनस थीटा। सॉल्व कर लीजिए, थीटा आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि थोड़ा चाइनीज भाषा चल रहा, तो मैं रिकॉर्डिंग ये शेयर कर दूंगा, रिकॉर्ड किया है, घर पे भी थोड़ा सा एनालाइज करिए, शायद फिर वो हिंदी हिंदी लगने लगे, अपने जैसे भाषा लगने लगे। घबराना नहीं है, कोशिश करना है बहुत आसान, क्योंकि दो ही फॉर्मूले हैं, या तो ml या ms डेल्टा थीटा। ये एरो वाला डायग्राम बना लो, 2 ग्राम स्टीम आया 2 ग्राम वाटर में, फिर वो आया थीटा पे वाटर, और इधर जो 600 ग्राम है वो थीटा पे पहुंच गया, इक्वेट कर दो, क्योंकि स्टीम बहुत कम है और टेम्परेचर जो पानी है, पानी अमाउंट भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी उसका कम है, तो बीच वाला कोई टेम्परेचर आएगा थीटा, जिसके चांस हैं। जिन लोगों को ये समझ में आया है, हैंड राइज करें प्लीज। सर, थीटा इक्वल टू 12.09 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया, जिन जिन के समझ में आ गया हैंड राइज कर दीजिए जल्दी जल्दी। कुछ बच्चे अभी टेंशन में अभी भी हैं। सारांश लव हर्ष, ज्यादा टेंशन? चलिए मान लेते हैं थोड़ा थोड़ा सबके समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया हर्ष, समझ में आ गया, ये खुशी की बात। अभी के लिए यही रखते हैं, ये लेक्चर मैं शेयर कर दूंगा, आप घर में उसको एनालाइज कर ले थोड़ा सा, और अगले टर्न पे 2 टर्न इसी कैलोरीमेट्री का और ऐड करूंगा, और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू सर।